तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर, जो कि है सिस्टर नुजहत फातिमा का, जो कि बाय प्रोफेशन होम मेकर हैं। बहन सवाल करती हैं, आजकल लोग अपनी कोई भी अचीवमेंट्स या खुशियां सोशल मीडिया के ज़रिए तमाम लोगों में आम कर देते हैं, क्या ये सही है? मैंने सुना है अपनी नेमतों को पब्लिक नहीं करना चाहिए और छुपा कर रखना चाहिए, आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा और कॉमनली किए जाने वाले काम पर सवाल किया गया है। सवाल है कि आजकल लोग अपने अचीवमेंट्स और खुशियां सब सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पब्लिक कर देते हैं, और हमने सुन रखा है कि अपनी ब्लेसिंग्स को जो अल्लाह ने दी हो नियामतें उसको हाइड करके रखना चाहिए, तो क्या ये सही है? देखिए मैम, ये जो चलन चल पड़ा है ना सोशल मीडिया पे, हर एक चीज़ उठा के अपलोड कर देना, हर एक चीज़, ये नहायत मकरूह अमल है और बहुत सारे केसेस में तो बहुत सारी हराम चीज़ें भी हो रही हैं। रही बात आपका जो टू द पॉइंट क्वेश्चन है, अपनी नियामतें जो हैं अल्लाह ने जो दी हैं, जो खुशियाँ दी हैं, जो ब्लेसिंग्स अल्लाह ने दी हैं, उसको टाइम टू टाइम अपलोड करना कि कहीं घूमने गए हैं हस्बैंड के साथ, बहुत खुश हैं, बहुत मज़ा कर रहे हैं, तो उठा के सीधा व्हाट्सएप स्टेटस पे और वहाँ पर फेसबुक पर, या कोई अवार्ड मिल गया है और कुछ अचीवमेंट मिल गया है, या बेटी ने जो है नीट क्रैक कर लिया है तो सीधा सोशल मीडिया पर, या तो फिर कोई खुशी का मौका है, कोई अल्लाह ने कुछ अता किया है, तो वो सब उठाकर सोशल मीडिया के हवाले कि देखो हम कितना खुश हैं। जी हाँ, ये नहीं करना चाहिए और नेमतों को वाक़ईतन छुपाने की ज़रूरत है। रीज़न नंबर वन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया है रीज़न नंबर वन कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उसको हाइड करके गोल्स को अचीव करने में अपनी ही हेल्प करो, क्योंकि लोग हर नेमतों के दिए जाने वाले के साथ हसद करते हैं। लिहाजा जो अल्लाह ने आपको अता किया है, कोई भी खुशियाँ हों या नेमतें और एहसानात हों, तो उसको जब आप सबके दरमियान में खोल के रख देंगी तो क्या होगा, उनमें कई लोग हसद की नज़र से भी देख रहे होंगे, और हसद करने वाले की हसद से जितना नुकसान हो सकता है वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकती हैं। लिहाजा हसद से, दूसरों की हसद से अपने को बचाने के लिए अपनी नेमतों को अपने बहुत वेल विशर्स के दरमियान ही डिस्प्ले करना चाहिए कि भाई आपके घर में खुशी आई है, आप अपने भाई और बहन से बताया और अपने बहुत वेल विशर्स से बताया और सबसे नहीं जाहिर किया, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि आपकी नेमतों को नज़र लगने और हसद की नज़र से आपको नुकसान पहुंचने से आप बचेंगी। आपको पता ही है कि इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स और खुशियाँ मिलने के बाद पूरा जो है दुनिया का दौरा करके आए, इतना खुश दिखा रहे हैं, थोड़ी दिन के बाद जो है डिप्रेशन होने लगा और एंजाइटी होने लगी। क्यों होने लगी? किसी की हसद की नज़र लग गई होगी, समझ रहे हैं? तो हाइड ही, कंसील ही करना चाहिए अल्लाह ने जो नियामतें अता की हैं। इसकी कराहत नंबर दो है जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टचिंग है। कितनी बार जिनको अल्लाह ने नवाजा है वो अपनी सारी नियामतों को पब्लिक में डिस्प्ले कर देते हैं और फिर उनकी भी नज़र पड़ती है उन नियामतों पर जो महरूम तबका होता है, डिप्राइव्ड क्लास। यानी चौहर बीवी अपनी खुशियां दिखा रहे हैं, हम कितना खुश हैं एक दूसरे के साथ, और कोई तलाकशुदा उसको देख रही है, कोई बेवा उसको देख रही है। अब आप सोचिए कि उसके दिल कलेजे पे क्या गुजरती होगी। तो जो महरूम तबका है उसे आप बहुत बड़ी सैडनेस में डाल रहे हैं। आपके बच्चों की अचीवमेंट है, किसी के पास औलाद ही नहीं है, तो अगर महरूम तबका देखता है तो उसको बहुत तकलीफ़, अगर वो हसद की नज़र इन केस ना भी डाले तो उसे अब तकलीफ़ पहुंचा देते हैं। ये काम बहुत ज़्यादा हुआ था, फिर हमने इसको एड्रेस भी किया था लॉकडाउन पीरियड में, कोविड लॉकडाउन में,
कितने लोग जब सडनली लॉकडाउन हुआ, फर्स्ट लॉकडाउन, तो कितने लोग अपनी अपनी जगह फंस गए। आप सबको पता है कितने ही लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, भूख से मरे हैं, और कितने मजदूर जो हैं पैदल सफ़र करने की वजह से रास्ते में चलते चलते मरे हैं। मालूम है ना, सबके नॉलेज में। और जो 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 है एलीट क्लास था और जो हाई अपर मिडिल क्लास था, जिनके पास घर में सारा राशन भरा हुआ था, सब कुछ दुनिया की नियामतें उनके घर के अंदर ही थी, वो खाली घर में पैक हो गए थे। अब रोज़ नए नए डिशेस बना रहे हैं, और जो डिशेस बनाते थे उसको उठा के व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक पे डाल देते थे। हमको रोना आ जाता था कि अभी इनमें से कई ऐसे लोग भी देख रहे होंगे ये स्टेटस जो इनका लगा हुआ है, अच्छे अच्छे खानों का, आज ये ट्राई किया वो ट्राई किया, और खाली हैं तो इतनी डिशेस ट्राई कर रहे हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं देख रहे होंगे जिन जो फाके से हैं, एकदम मरने के कगार पर हैं। तो कितनी तकलीफ पहुँचाई हमने उनको, तो हमने उस टाइम पर फिर एड्रेस भी किया था, अब हमने भी अपना स्टेटस लगा के कि एटलीस्ट इस टाइम पर तो ये ना करें। तो हमें दूसरों का कुछ तो दर्द होना चाहिए, तो हम दूसरों को और महरूमी में डाल देते हैं। और यू नो, साइकोलॉजी आज एडवांस हो गई है, ब्रांच ऑफ साइंस हो गई है, और साइकोलॉजी ये कहती है कि जो सबसे अनहैप्पीएस्ट पर्सन होता है वो अपनी हैप्पीनेस को डिस्प्ले करके अपने को हैप्पीएस्ट पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है। यानी जो सबसे ज़्यादा जो 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 इनसिक्योर है अंदर से, सचमुच में खुश नहीं है, वो दुनिया को दिखा रहा है मैं खुश हूँ मैं खुश हूँ, ये उसकी इनसिक्योरिटी बोल रही होती है। ये दिस इज़ द साइकोलॉजी, दिस इज़ द साइंस, यू नो। तो ये बहुत कमज़ोरी की अलामत है, अपनी नेमतों का डिस्प्ले करना इंतहा दर्जे की किरदार और अखलाक की कमज़ोरी की अलामत है, इंतहा दर्जे की। बल्कि अल्लाह ने जो नेमते दिया है उसको कंसील करके रखें, हाइड करके रखें, ताकि ना ही दूसरों की नज़र लगने पाए और ना ही किसी को महरूमी का एहसास हो आपके नेमतों को दिखाने और पब्लिक करने की वजह से। और भी इसकी छोटी छोटी कबाते हैं, लेकिन ये दो बड़ी कबाते हैं, इसलिए हमें जानना इम्पॉर्टेंट था, और अच्छा किया कि ये सवाल किया, ताकि हम अपने को चेक करें और हम अपनी ही खुशियों को अपने यहाँ से आग ना लगा लें और दूसरों की खुशियों को भी आग ना लगा दें। उम्मीद है जवाब आपको मिल गया होगा। जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा मैम, बहुत ही अहम पॉइंट्स बताए आपने हमें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम इन तमाम नुकात, इन तमाम पॉइंट्स को ज़हन-नशीं कर लें और अपनी आइंदा की ज़िंदगी में इन बातों का ख्याल रखें, ताकि हमारी ये नेमतों का, हम अपनी नेमतों की जो नुमाइश कर रहे हैं, ये रोज़े क़यामत हमारे लिए आजमाइश ना बन जाए। आमीन।